हेलो दोस्तों, वंडर टिप्स चैनल पर आज आपको बताने जा रहा हूँ 14 ट्रिक्स जिनसे हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, आपकी इज्जत करेगा। सबसे पहला पॉइंट है कम बोला करो। जितना कम बोलो उतना अच्छा है, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती और दूसरों की सुनने का मौका मिलता है। हमने कई बार जिंदगी में ऐसा देखा है कि जब हम किसी घर जाते हैं, कोई आता है या ऑफिस में आता है, तो इतना ज़्यादा बोलता है कि जाने के बाद उनके हम ये कहते हैं, यार ये क्या बोल के चला गया, उसने किसी को बोलने ही नहीं दिया। मतलब एक बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है, तो इसलिए कम बोला करें। और जिस तरह से मान लिया आपको कोई काम का अलॉटमेंट हो रहा है, घर में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, तो उसमें भी अगर आप ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो पूरा है, आपके पास काम काफ़ी है, तो ना कहने की आदत भी डालो। हर एक चीज़ को अपने ऊपर मत लो, क्योंकि सामने वाला देखे फ्री हो जाता है और आप ऑलरेडी इतना दब जाते हैं दूसरे कामों के चक्कर में कि आप उसको टाइम पे नहीं कर पाते, तो टाइम लाइन अपनी मिसिंग होती है। तो ऐसा मत होने दो, इससे भी जो आपकी इज्जत है उसमें फ़र्क पड़ता है कि भाई आप कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ भर लेते हो, काम नहीं करते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी कोई डिस्कशन हो रहा हो, कोई आपसे आपका ओपिनियन मांगता है, तो एकदम मत दो। इसको बोलते हैं जल्दी रिप्लाई मत करो, जस्ट थिंक, उसको दिमाग में बैठाओ, उसके ऊपर थोड़ा मनन करो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिंदगी में जितने भी फैसले लो, चलते चलते मत लो, भागते भागते मत लो, थोड़ा सोच समझ कर, प्रोस एंड कॉन्स देखते हुए, फायदे नुकसान देखते हुए, फिर आप जो है फैसला लें, तो उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है आपका कि अपने काम पर फोकस करो। जितना काम पर फोकस करोगे उतना आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जब हम काम पर फोकस करते हैं तो आप एक गोल ओरिएंटेड आदमी बन जाते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कई बार कि चमचागिरी से काम चल जाता है, बिना मेहनत के काम चल जाता है, नहीं, अपने को तो अपने काम के बल पे। सचिन क्या बोलते थे, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर महान, वो बोलते थे मुझे नहीं बोलना, मेरा बल्ला बोलता है। तो बल्ला बोलता है तो अपने आप ही समझ आ जाता है सबको, फालतू की भैंसों में क्यों। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका कि लोग आपको अपनी बातों में उलझाएंगे, आपसे बहस करेंगे। आपको क्यों करनी है बहस? बहस करने में टाइम वेस्टेज होने ही नहीं देना अपने को। और लोग इसमें कई बार बहसा बहसी, धक्का मुक्की, लड़ाई, मुंह चढ़ जाते हैं। नो नीड। अरे प्यार बांटो जितना दे सकते हो। बहस में कोई तेज बोल के सोचे मैं जीत जाऊंगा, नो, बहस करनी नहीं अपने को, वी हैव नो टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको जब नहीं मांगा जाता तो ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्ञान मत दो, हर आदमी समझदार है। इवन दोस्तों मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये भी सबको पता है, मैं सिर्फ बताकर एक YouTube के माध्यम से ये चाह रहा हूँ कि भाई एक बार पॉलिशिंग इफेक्ट दे दें आप इसे। अगर किसी एक का भी भला हो जाता है वीडियो देखने के बाद, तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देना, जो मांगे उसको पूरी सलाह दो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड सलाह देंगे, आपने जिस रास्ते से आप निकले हुए हो वहाँ की प्रैक्टिकल सलाह देंगे, ज्ञान देंगे। दोस्तों कुछ भी कमी मत रखो अपने आप को रिच बनाने में, सेविंग करने में। जितनी सेविंग कर सको, बचत कर सको, कर लो। पैसे ने एक बार कहा किसी को कि आप मुझे आज बचाइए, कल मैं आपको बचाऊंगा। और आप देखो अगर आप कुछ भी करें, अपनी सैलरी का बिजनेस में से 10% 15% जितना निकाल सकते हैं उसको ज़रूर आप सेविंग में डालो।
जितना ज़्यादा सेविंग हो जाएगी उतना आपको बेटर देते चले जाएंगे। आज वारेन बफेट का केस देख लीजिए आप, दुनिया के रिचेस्ट आदमी हुआ करता था, आज भी फर्स्ट 5-6 में है, लेकिन 75 साल की उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा है कि उसका एक जो शेयर की वैल्यू 7-7 करोड़, 7.5-7 करोड़ है। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास कम है, हर रोज़ 1 रुपया बचाओ, हर रोज़ 10 रुपये बचाओ, 100 रुपये बचाओ अपने हिसाब से। अगर 100 बचाए तो महीने के 3,000 हो गए, 3,000 में कोई भी आप स्टॉक ले सकते हो, म्यूचुअल फंड ले सकते हो, और आप देखो फिर क्या पैसा बढ़ने वाला है कंपाउंडिंग होके। लेके भूल जाओ क्या लेना है क्या नहीं, वो उसमें थोड़ी सही सलाह लेनी पड़ेगी अच्छे लोगों से, जानकार लोगों से। दोस्तों 9वां पॉइंट आता है कि किताबों को पढ़ो और उनसे सीखो। किताबों में आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैंने करीब 60-65 किताबें पढ़ी हैं, ऑडियो बुक्स बहुत सुनी हैं, यूट्यूब बहुत देखी हैं, लेकिन बैक टू बैक जो है मैंने करीब 65 किताबें पढ़ ली हैं, 65। और इससे सोचने का नज़रिया ही बदल गया है। तो आप भी पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उनको अमल करें उसमें से चीज़ें। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। आपको ये लगेगा कि किसी भी उम्र में हम खाली नहीं हैं, तो फिर हम टाइम की वेस्टेज क्यों कर रहे हैं, हम टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों गलत चीज़ों में लगे हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट 10वां पॉइंट बहुत अच्छा है कि साफ कपड़े पहनो। कई बार ऐसा होता है ना, एक टी शर्ट पहनी है, हर रोज़ वही पहन रहे हो आप खेलते वक्त, मॉर्निंग वॉक करते वक्त, क्यों भाई, हर रोज़ उसे धो के सुखा देते हो, ऐसा तो नहीं लगता। साफ कपड़े पहनो और अपने माइंड सेट को पूरा ऊंचा रखें। अच्छा, जब भी कोई डिस्कशन हो रहा हो घर में, बिजनेस में, सर्विस में, तो एकदम कई बार होता है ना हाइपर हो जाते हैं हम, रिएक्ट करते हैं एकदम किसी की बात सुन के। नो, कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट करेंगे, भैंसा भैंसी करेंगे, दूसरे के फैसले गलत बताएंगे, तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे। रिएक्ट करने के बजाय आप उस पर अपना मत दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, सुनना सीख जाओ, बिकम गुड लर्नर, लिसनर। और अगर आप एक लिसनर अच्छे बन गए तो आपकी जिंदगी सुखमय होने वाली है, ये लिखवा कर ले लीजिए आप। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी की बुराई मत करो, किसी की भी। जैसे सास बहू की करती है, बहू सास की करती है, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, पता नहीं क्या मिलता है। अरे अपने काम में टाइम लगाओ, जितना काम पर फोकस करोगे जिंदगी उतनी हसीन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, क्योंकि जब आप काम कुछ करते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो इसलिए बुराई मत करो, जब नहीं करेंगे बुराई तो आपका जीवन भी सुखमय होने वाला है। और दोस्तों बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो। कई बार ये और ये आदत डाल लो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस में नहीं है, आप प्रयास करते हैं, प्रयास करना आपका काम है, आप करता हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आए, उसके लिए आप सोचते रहें, रात की नींद ख़राब कर दें, दिन का चैन ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ दो। दोस्तों एक्सरसाइज बराबर करो, अपनी हेल्थ को बराबर रखो, और मेडिटेशन ज़रूर करो, भगवान में विश्वास करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए, लोग आपकी वैल्यू अपने आप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार में, बच्चों में, दोस्तों में, बिजनेस में, जहाँ भी आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।